फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी अपडेट की तो जूनियर एनटीआर की आने वाली अनटाइटल फिल्म एनटीआर नील को लेकर कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2024 से स्टार्ट करेंगे और वहीं जूनियर एनटीआर इस शूटिंग शेड्यूल को दिसंबर 2024 से ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें जूनियर एनटीआर की ये फिल्म एक गैंगस्टर एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे एक बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा और वहीं मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग इंडिया के अलावा बाहर के देशों में करने वाले हैं और वहीं जूनियर एनटीआर की ये फिल्म हमें 9 जनवरी 2026 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जूनियर एनटीआर और डायरेक्टर प्रशांत नील के इस कॉम्बिनेशन के बारे में। और वहीं बात करें दूसरी बड़ी अपडेट की तो सिद्धांत चतुर्वेदी की आने वाली फिल्म युद्धरा के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। और बात करें इसके ट्रेलर की तो युद्धरा का ट्रेलर देखने में काफी दमदार लग रहा है जिसमें हमें एक्शन से भरी एक मिशन बेस्ड स्टोरी देखने को मिल रही है और वहीं इस ट्रेलर में सिद्धांत चतुर्वेदी और राघव जुयाल दोनों ही डेंजर लग रहे हैं। तो युद्धरा का ट्रेलर देखने में काफी दमदार लग रहा है, तो देखना होगा कि सिद्धांत चतुर्वेदी की ये फिल्म कैसी होती है। आपको बता दें इस फिल्म को डायरेक्टर रवि विद्यावन ने डायरेक्ट किया है जो हमें 20 सितंबर से सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आपको युद्धरा का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। कौन है बे, क्या चाहता है? जानना चाहता हूँ लोग मरने से पहले ऐसे बेवकूफी भरे सवाल क्यों पूछते हैं। पवन कल्याण की आने वाली फिल्म उस्ताद भगत सिंह के प्रोड्यूसर ने बताया है कि मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग सितंबर के पहले वीक से रिज्यूम करेंगे और मेकर्स का प्लान है कि वो इस फिल्म की पूरी शूटिंग दिसंबर 2024 तक कंप्लीट कर लें। आपको बता दें पवन कल्याण की ये फिल्म एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर हरीश शंकर डायरेक्ट कर रहे हैं और वहीं इस फिल्म में हमें पवन कल्याण के साथ श्रीलीला लीड रोल में देखने को मिलेंगे। और वहीं कहा जा रहा है कि 2 सितंबर को पवन कल्याण के जन्मदिन पर मेकर्स इस फिल्म के नए टीजर को रिलीज करने वाले हैं। अभी तक मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया है, तो देखना होगा कि पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह की रिलीज डेट क्या होती है। तो जैसा कि हमने फिल्मी टॉक के वीडियो में बताया था कि आने वाले समय में मिर्जापुर के मेकर मिर्जापुर के सीजन 3 के बोनस एपिसोड को रिलीज करने वाले हैं, तो आज मेकर्स ने इसके बोनस एपिसोड को रिलीज कर दिया है जिसकी लेंथ 20 से 25 मिनट की है। और वहीं इस बोनस एपिसोड में हमें मुन्ना भैया का भी लुक देखने को मिलता है। मैंने अभी तक इस बोनस एपिसोड को नहीं देखा है, तो क्या आपने इस बोनस एपिसोड को देख लिया है? और अगर देख लिया है तो सीजन 3 के अलावा हमें इस बोनस एपिसोड में क्या नया देखने को मिला कमेंट में बताएं। क्योंकि हम करते पहले हैं, सोचते बाद। स्त्री 2 की सफलता के बाद राजकुमार राव की एक नई फिल्म आने वाली है, तो आज इसी फिल्म से मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए बताया है कि इस फिल्म के टाइटल और उसके फर्स्ट लुक को मेकर 31 अगस्त को यानी राजकुमार राव के जन्मदिन पर रिलीज करने वाले हैं। आपको बता दें राजकुमार राव की ये फिल्म एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर पुलकित ने डायरेक्ट किया है, तो देखना होगा कि राजकुमार राव की इस फिल्म का टाइटल क्या होता है। वरुण धवन की भतीजी अंजलि धवन की आने वाली फिल्म बिन्नी एंड फैमिली के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। और बात करें इस फिल्म की तो इस फिल्म की कहानी एक फैमिली के इर्द गिर्द होने वाली है जिसमें हमें जनरेशन गैप की स्टोरी देखने को मिलेगी कि कैसे इन दोनों जनरेशन के बीच एक लंबा गैप आ चुका है जिसके कारण ये लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। तो यही कॉन्सेप्ट हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो बिन्नी एंड फैमिली का ट्रेलर देखने में दमदार लग रहा है, तो देखना होगा कि ये फिल्म कैसी होती है। आपको बता दें अंजलि धवन की ये फिल्म हमें 20 सितंबर 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। यू आर सो ब्लडी स्केयर्ड बाबा कि अब उनको कभी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। I'm not scared of Baba. बाबा से मुझे डर नहीं लगता है, मैं बाबा का लिहाज करता हूँ। What is लिहाज? बॉलीवुड की सबसे ब्रूटल एक्शन फिल्म किल की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। आपको बता दें डायरेक्टर निखिल भट्ट के डायरेक्शन में बनी किल एक ब्रूटल एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसमें हमें कुछ हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीन देखने को मिलते हैं और वहीं इस फिल्म में हमें नए एक्टर लक्ष्य के साथ राघव जुयाल की दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में मिस कर दिया है तो आप इस फिल्म को 6 सितंबर 2024 से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और वहीं विक्की कौशल की फिल्म बैड न्यूज को भी अमेजॉन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया है। बैड न्यूज एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें हमें अच्छी खासी कॉमेडी से भरी एक लव ट्रायंगल स्टोरी देखने को मिलती है। तो अगर आपने इस फिल्म को थिएटर में मिस कर दिया था तो आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम में रेंट पर देख सकते हैं। और अगर आपने विक्की कौशल की इस फिल्म को देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में बताएं। यहाँ तो मेरी लाश से गुजरना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।